असाइनमेंट बोली थी मैंने तुम लोगों को कि लिस्ट करना, जितने डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़े उतनों की क्या तुम लोगों ने? नो मैम, आज कर लेना ओके। और यस रोज मैम, जो ठीक। पढ़ रहे हैं रोज उसका रिवीजन किया करो, ठीक है? रिवीजन करेंगे तो ध्यान में रहेगा। ओके, एनी डाउट्स फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर? Let's start with today's lecture. Yesterday we have learned the terminologies like character, traits, alleles, or what is mean by allelomorphs. Then what is mean by dominant, recessive. बाद हमने पढ़ा था जेनोटाइप condition क्या होती है, homozygous. Yes. और उस पर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा उसके बाद phenotype means what and genotype means what. तो मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट मतलब क्या होता है? किस जीन को हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं? द इफेक्ट ऑफ अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द सेम जीन। वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, उसको हम अलील बोलेंगे। लेकिन जो अलील होते हैं उसमें अलील डोमिनेंट होते हैं, कुछ अलील रेसेसिव होते हैं। तो डोमिनेंट एलील मींस व्हाट एंड रिसेसिव एलील मीन व्हाट, ये पूछ रही हूँ मैं। मैम, दे प्रोड्यूस अ सर्टेन फिनोटाइप। एवरी जीन इज एबल टू प्रोड्यूस अ सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर। हर जीन का एक फिनोटाइप दिखता है अगर वो एक्सप्रेस हुआ तो। डोमिनेंट यानी क्या? ओके, मैंने आप लोगों को कल एग्जाम्पल दिए थे, मैं उसको रिपीट करती हूँ। उसमें से आप बताओ कि विच एलील इज डोमिनेंट। इफ द कैरेक्टर इज हाइट, हाइट, प्लांट हाइट, ये कैरेक्टर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो देर आर टू वेरिएंट्स फॉर हाइट्स, वन इज टॉल एंड अनदर इज डॉर्फ। ठीक है, देर आर टू ट्रेट्स, टॉल एंड डॉर्फ। तो इसमें से डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है? क्या हुआ? टॉल और डॉर्फ में से डोमिनेंट अलील कौन सा है? हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ी है कि जो जीन्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है? सो सपोज वी आर हैविंग द क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम एंड दिस इज द कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, मींस दीज टू आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच अदर। ओके, नाउ ऑन दिस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम वी आर हैविंग द जीन फॉर हाइट। इस क्रोमोसोम पर हमारे पास हाइट के लिए जीन है, ठीक है? तीन प्लांट्स को हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्लांट नंबर वन, दिस इज प्लांट नंबर टू एंड दिस इज द प्लांट नंबर थ्री, एंड ऑल थ्री प्लांट्स हैव दिस पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तीनों के पास ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर है, ठीक है? अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मींस इस पोजीशन पे अगर हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है तो उसके सेम लोकस पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पर भी हाइट के लिए जीन प्रेजेंट होगा। सो हाइट के लिए जो जीन है उसके हमारे पास दो फॉर्म्स है, देयर आर टू अल्टरनेटिव जीन्स फॉर हाइट। वन जीन इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल टी एंड अनदर जीन इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल टी। सो देर आर पॉसिबिलिटीज, ये अल्टरनेटिव फॉर्म किस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट के अंदर। सो यहाँ पे दोनों भी कैपिटल टी होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हियर इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज वन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम हैविंग कैपिटल टी जीन एंड अनदर मे हैव स्मॉल टी जीन। थर्ड पॉसिबिलिटी इज द जीन और द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम एट बोथ साइड देर इज स्मॉल टी जीन। ओके, सो इफ देर इज कैपिटल टी सो द फिनोटाइप इज टॉल। अगर कैपिटल टी हुआ तो टॉल फिनोटाइप दिखेगा। अब यहाँ पर दोनों भी जीन्स, दोनों भी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी ही है तो ऑब्वियस ओके।
अभी यहाँ पे थर्ड नंबर के प्लांट में दोनों भी जो दोनों जो हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसपे दोनों भी जीन स्मॉल टी है, मीन्स यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, द फिनोटाइप विल बी ड्वार्फ, मीन्स प्लांट शॉर्ट बनेगा, बट वी आर हैविंग द सेकेंड कंडीशन इन विच द जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस इन नेचर. जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस है. फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन में जो जीनोटाइप है दैट इज होमोजाइगस, मतलब वहां पर दोनों भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स सिमिलर प्रेजेंट है क्रोमोसोम की पेयर पे, बट यहाँ पे एक फॉर्म कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है. सो यहाँ पर ओनली कैपिटल टी इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. कैपिटल टी का जो जीन प्रेजेंट है यहाँ पर क्रोमोसोम पर, इसी का प्रोटीन अच्छे से वर्क कर पाता है. स्मॉल टी का जो प्रोटीन है वो वर्क नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी का प्रोटीन स्मॉल टी के प्रोटीन से ज्यादा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, और फिनोटाइप हमको यहाँ पे मिलता है टॉल. सो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपना फिनोटाइप शो कर पाता इज नोन तो दिस हाइब्रिड मूविंग फिनोटाइपिक कैरेक्टर टॉल. इट मीन्स टी इज डोमिनेंट ओवर small t, capital T is dominant over small t. So the capital T is dominant and small t is recessive. So the allele which is not able to express itself in heterozygous condition, जो homozygous condition में अपने आप को express कर पा रहा है, जब दोनों भी small t है तो यहाँ पे dwarf दिख रहा है हमको, लेकिन जब एक capital T और एक small t है तो हमको capital T का phenotype दिख रहा है. So capital T is dominant and small t is recessive. इस तरह से हम dominant और recessiveness. But if there is one capital T and one small t, there should be the medium size. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पे tall ही दिख रहा है plant. Means capital T अपने आप को पूरी तरह express कर रहा है, even though there is small t present. But small t अपने आप को express नहीं कर पा रहा है, क्योंकि capital T उसके character को suppress कर रहा है, वो इस protein को work ही नहीं करने दे रहा है, small t से जो protein बनने वाला है. Only capital T's protein is in work, वो काम कर रहा है ठीक से, इसलिए प्लांट टॉल बना. तो ऐसे एलील को हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील. अभी समझ में आया सबको? सो स्मॉल टी इज रेसेसिव और डोमिनेंट. स्मॉल टी यहाँ पे रेसेसिव है या डोमिनेंट है? सो वी वर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज मीन बाय प्योर लाइन. प्योर लाइन्स मीन्स ऐसी जनरेशन जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सिमिलर अलील प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. द इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर. इफ वी आर टेकिंग हाइट, वहां पे उनके पास कैपिटल टी ही प्रेजेंट होगा दोनों भी होमोलॉगस क्रोमोजोम पे, ठीक है. सो दिस इज फॉर दी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दिस इज द प्योर लाइन फॉर दी टॉल. टॉल के लिए वो प्योर लाइन हो जाएंगे. अगर हमको डॉर्फ के लिए प्योर लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, डॉर्फ प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ ही क्रॉस करेंगे, जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो भी डॉर्फ होंगे. और ऐसे दो तीन जनरेशन करने के बाद, जनरेशन मीन्स हम ऑफस्प्रिंग ले रहे हैं उनके, दो डॉर्फ प्लांट्स को हम एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे उन सीड्स को हम सो करेंगे तो हमको नया जनरेशन मिलेगा. फिर वो जनरेशन में सारे प्लांट्स डॉर्फ है, हम फिर से उन्हीं में से कोई दो डॉर्फ प्लांट को एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे. क्रॉस करवाएंगे मीन्स एक प्लांट का फ्लावर होगा, दूसरे प्लांट के हम पोलन ग्रेन्स लेंगे और एक प्लांट के स्टिग्मा पे स्प्रे करेंगे, और फिर वहां पे जो सीड बनेगा वो हमारी थर्ड जनरेशन होंगी. लेकिन अगर अभी हम डॉर्फ प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ ही क्रॉस करवा रहे तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो भी डॉर्फ होगा. मीन्स यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है हाइट, उसके लिए ट्रेट हमारे पास डॉर्फ के ही ट्रेट है, मीन्स हर जगह हमारे पास स्मॉल टी होगा. सो दिस इज नोन एज प्योर लाइन. तो ये प्योर लाइन मीन्स व्हाट, कोई भी एक कैरेक्टर ले लो और उस कैरेक्टर के जो अलील्स है वो होमोजाइगस होते हैं इंडिविजुअल में, ठीक है. इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट दैट, और उसी का हम आगे जनरेशन क्रिएट करते हैं. वैसे ही जनरेशन आगे हम क्रिएट करेंगे, दो तीन जनरेशन पास करेंगे. सो दिस इज नोन एज प्योर लाइन. तो ये हुआ प्योर लाइन. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज
व्हाट इज मीन बाय, तो अब जो मेंडल थे, मेंडल ने साइंटिस्ट मेंडल सो साइंटिस्ट मेंडल हैव परफॉर्म्ड मेनी क्रॉसेस, उन्होंने बहुत सारे क्रॉस किए. क्रॉस मीन्स दे हैव फर्टिलाइज्ड वन प्लांट विथ अनदर. उनके हिसाब से उन्होंने प्लांट्स को फर्टिलाइज किया, नेचुरल फर्टिलाइजेशन अलाउ नहीं किया. वो जिस प्लांट को एक प्लांट उन्होंने प्लांट्स को अकॉर्डिंग कैरेक्टर चूज किया और एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करवाया, और फर्टिलाइज करने के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको सो किया, और फिर वो जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट हुई उसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया. तो दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस. सो मेंडल डिड मेनी क्रॉसेस, तो उन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस किए, तो उन्होंने उनके क्रॉसेस को कुछ नाम दिए. द फर्स्ट क्रॉसेस मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हाट, तो उन्होंने दो प्लांट को क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद लेकिन वो जो प्लांट्स थे दे आर फॉर हैविंग डिफरेंसेस फॉर अ सिंगल ट्रेट. कैरेक्टर एक ही लिया लेकिन वो कैरेक्टर का जो वेरिएंट है वो डिफरेंट था. सपोज ही हैज टेकन वन टॉल प्लांट एंड अनदर ड्वार्फ प्लांट, और उसको उन्होंने क्रॉस करवाया. सो अगर हम दो अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो. हम इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलेंगे. और फिर अब उन्होंने आगे कैरेक्टर्स को स्टडी किया, लेकिन जब उन्होंने पहली बार क्रॉसिंग को किया तो पहली बारी में उन्होंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही कंसिडर कर क्रॉस किया. मीन्स उन्होंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही स्टडी किया, तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. वेन वी डू क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स और आगे की जनरेशन को हम स्टडी करते हैं बाय कंसिडरिंग ओनली सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर पे फोकस करके अगर हम क्रॉसिंग करते हैं और स्टडी करते हैं, दैट क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी ऐसा क्रॉस जहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे और उसी का ही करेंगे. सिमिलरली होता है डायहाइब्रिड का क्रॉस. तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हम एट अ टाइम टू कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं प्लांट्स के, प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं, और थर्ड जनरेशन में क्या, सेकेंड जनरेशन में क्या रिजल्ट आते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं. तो दिस इज डायहाइब्रिड क्रॉस. सिमिलरली होता है ट्राईहाइब्रिड क्रॉस. तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में हम प्लांट में जो प्लांट के तीन कैरेक्टर को एट अ टाइम कंसिडर करके स्टडी करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि प्लांट्स में अदर कैरेक्टर्स नहीं होते. जब हम प्लांट को क्रॉस करवाएंगे तो पूरे कैरेक्टर के साथ होता है, लेकिन हम फोकस एक ही कैरेक्टर पे जब करते हैं तो हम उस क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. जब हम दो कैरेक्टर्स को फोकस करके क्रॉस करवाएंगे तो उसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और अगर हम तीन कैरेक्टर्स को एट अ टाइम कंसिडर करके स्टडी करने वाले हैं और प्लांट्स को क्रॉस करवा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. सो मेंडल ने अपना स्टडी इन तीन, ये तीन क्रॉस कर उसके बाद उसने उसके स्टडी के रिजल्ट्स प्रिडिक्ट किए थे. He has performed monohybrid cross, dihybrid cross, and trihybrid cross. Okay. What is mean by generation? So generation means जो next offspring आने वाले हैं हम उसको generation बोलते हैं. Okay. सबको समझ में आया? What is mean by monohybrid, dihybrid, and trihybrid? मैम trihybrid जो तो मैम तीन combination को represent करता हूँ. तीन monohybrid को ट्राईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड के तीन मोनोहाइब्रिड रिप्रेजेंट करते हैं.